पृथ्वी की ओर एक बड़ी तबाही तेजी से आ रही है। ये तबाही किसी वायरस, ग्रह या एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि सूर्य की ओर से आ रही है। वैज्ञानिकों के हैरान करने वाले दावों की माने तो सूरज धरती का महाप्रलय लाएगा। दुनिया का अंत कैसे और कब होगा, यह एक ऐसा सवाल है जो आए दिन चर्चा में रहता है। कभी सवाल होता है कि क्या बाढ़ सबको डुबो देगी या हवा से पैदा होने वाला वायरस सब कुछ तबाह कर देगा। इसके अलावा उल्का पिंड से भी धरती को बड़ा खतरा बताया जाता है। ये घटना डायनासोर के काल में हुई थी। लगभग 16 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इनका राज था। पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले उल्का पिंड गिरने से हुआ था। इन तमाम सवालों के बीच वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज दावा किया है। वियान न्यूज के अनुसार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानवता की अगली बड़ी तबाही सूर्य से हो सकती है। पता चला है कि धरती का अंत सौर तूफान से हो सकता है। वैज्ञानिकों को लगभग 14,300 साल पहले हमारी पृथ्वी पर आए एक भीषण तूफान का प्रमाण मिला है। उनका कहना है कि अगर आज ऐसा होता है तो ये बेहद विनाशकारी होगा। बता दें कि फ्रांसीसी आल्प्स में डोजेट नदी के किनारे एक पेड़ के अवशेषों से दिलचस्प सबूत मिले हैं। इस पेड़ में रेडियो कार्बन का पता चला है। ये सौर तूफानों के दौरान सूर्य द्वारा छोड़ा गया आइसोटोप है। बता दें कि वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, वे आइसोटोप कहलाते हैं। धरती पर यह अब तक का सबसे बड़ा सौर तूफान बताया जाता है। बता दें कि 1859 में दुनिया भर में अभूतपूर्व भूचुंबकीय तूफान आया था। रात के समय इतना उज्ज्वल ध्रुवीय प्रकाश पैदा हुआ था कि पक्षी चहचहाने लगे मानो अचानक सूरज ने उग्र रूप ले लिया हो। अनुमान के अनुसार 14,000 साल पहले आए सौर तूफान से ये तूफान 10 गुना अधिक था। इसके कारण टेलीग्राफ सिस्टम अस्त व्यस्त हो गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार पृथ्वी पर इस तरह के सौर तूफान आने के संकेत मिले हैं। ये बात अलग है कि वैज्ञानिकों ने अभी इसका निश्चित समय तय नहीं किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अन्य जगहों पर भी इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। शोध पूरा होने के बाद ही इस बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आज ऐसा कोई सौर तूफान पृथ्वी पर आया तो इसका प्रभाव काफी विनाशकारी होगा। जलवायु और महासागर विकास के प्रोफेसर एडवर्ड बार्ड ने कहा कि ऐसे तूफान इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज इसी तरह के सौर तूफान आते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सभी बिजली के ग्रिड नष्ट हो जाएंगे। संभावित रूप से ये महीनों तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी ब्लैक आउट का कारण बन सकता है। ऊर्जावान कणों के विशाल विस्फोट के साथ सभी पैनल नष्ट हो जाएंगे। साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों और एविएशन के लिए गंभीर विकिरण जोखिम पैदा हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।